बच्चों, आप जोड़ने और घटाने के बहुत सारे तरीके सीख चुके हैं। आइए अब हम आपकी गणित की पुस्तक गणित का जादू कक्षा 3 में से अभ्यास करते हैं। नन्हा कछुआ का बच्चा 33 साल का है। ये देखो, कछुए की उम्र आपको पता है, कछुआ 150 साल तक जीता है। और जो ये कछुए का बच्चा है, ये 33 साल का है, उसकी माँ 150 साल की है। माँ से नन्हा कछुआ कितने साल छोटा? आप देखो, ध्यान से देखो, 33 साल, 150 साल, कौन छोटा है? बच्चा छोटा है ना, आपने बताना है कितना छोटा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटा देंगे, छोटा बड़ा का पता लगाने के लिए हम घटा कर पता लगाएंगे ना, भाई उनकी उम्र में कितना अंतर है या बेटा कितना छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे कछुए की माँ की उम्र 150 साल, नन्हे कछुए की उम्र 33 साल। तो 150 में से हम 33 को घटाएंगे। ये घटाने की गतिविधि आप जान चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 0 में से हम 3 क्या घटा सकते हैं, खुले 3 हैं, खुले वर्ष कितने हैं? 3, 0 यहाँ, और 3 घटाने हैं हमें। तो कैसे घटाएंगे, क्या घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे और यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 3 तो हम घटा ही सकते हैं। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 घटा दो, 1 2 3 कम कर दो, तो ये कितने बच गए आपके पास? 7 बच गए। यहाँ पर 4, 4 में से 3 गया 1 और ये 1। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया कि कछुआ जो है ना वो 117 वर्ष छोटा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अरविंद ने कहानी की एक किताब के 69 पन्ने पढ़े। कितने बच्चे? 69, 69। मेरा आपसे निवेदन कि आप मेरे साथ साथ अपनी गणित की पुस्तक में से अभ्यास का प्रश्न करें, अभ्यास करें, ताकि आपको गणित की पुस्तक भी आ जाए, क्योंकि जोड़ना घटाना तो आप बहुत सीख चुके हैं। तो किताब के कितने पन्ने पढ़े बच्चों? 69 पन्ने पढ़ लिए। गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े। किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े बताओ? इसने तो 69 पन्ने पढ़े और गौरी ने 95 पन्ने पढ़े। अब कौन ज़्यादा है? ये 60 के 90, ये 60 और 9 69, और ये 90 और 5 95, तो 90 ज़्यादा है ना, इसने ज़्यादा, तो गौरी ने ज़्यादा पन्ने पढ़े। कितने ज़्यादा पढ़े, इस बात का पता लगाने के लिए हम ज़्यादा वाले पन्नों में से कम वाले को हम घटा देंगे। घटाना अभी तक आप सीख ही चुके हैं। यहाँ क्या 5 में से 9 कम कर सकते हैं? ये तो आपको बहुत बार हम बता चुके हैं बच्चों कि 5 में से 9 नहीं कम करते, बल्कि यहाँ से एक हासिल लेंगे। तो हासिल लेने पर यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर 8 बचेगा। अब हम 15 में से 9 तो कम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 15 में से 9 कम कर दो, 9 और 1 10 होते हैं ना, तो 10 और आगे 5 15 होते हैं, तो 5 आगे और 1 यहाँ, तो कितने? 6 आएंगे। इस प्रकार से भी आप मुझवानी कर सकते हैं, यानी कि 9 और 1 10 और आगे फिर 5 है 15 है ना, तो 5 और 1 6 आ गया हमारा। यहाँ 8, 8 में 6 गया, यहाँ बच गया 2। 26 पन्ने उसने ज़्यादा पढ़े। किसने ज़्यादा पढ़े हैं? गौरी ने ज़्यादा पढ़े। कितने पन्ने? 26 पन्ने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 118 यूनिट। इस महीने 193 यूनिट हो गया। देखो बढ़ गई ना, क्योंकि तो बिजली घर में खर्च करी है उसने। तो आपने यही बताना है कि एक महीने में बिजली का कितने इस्तेमाल किया। तो ये भी बड़ा आसान है, अगर हम 193 में से 118 घटा दें तो एक महीने का हमारा खर्च सीधा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपने, बड़े आराम से आप घटा सकते हैं। ये घटाएं घटाने की क्रिया करेंगे आप। यहाँ से 3 में से 8 नहीं घटा सकते, यहाँ से हासिल लेंगे 13, यहाँ बचेंगे 8। 13 में से 8 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखिए, खुशबू 125 रुपये की एक कमीज और 165 रुपये की एक पेंट लेकर आई। देखो ये खुशबू लड़की एक पेंट और एक कमीज इसने खरीदी है, तो कुल मिलाकर कितने खर्च किए, यानी कि दोनों पे कुल मिलाकर कितने खर्च किए? तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दोनों कुल खर्च निकालना है ना, तो लिखिए पेंट पर खर्च, कमीज पर खर्च, कमीज इकाई भी लगा सकते हैं आप, पर लिखाई सुंदर सुंदर करें, खर्च बराबर है 165
25 रुपये। अगर ये पेंट पर खर्च इकाई लगा देंगे ऐसे 165 रुपये। अब कल कुल खर्च निकालना है ना, यहाँ पे कुल खर्च का मतलब दोनों पे कुल उसने कितना खर्च किया। कुल खर्च क्या करेंगे बच्चों, बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए आपका, दोनों को जोड़ दो, जोड़ना पड़ेगा ना कुल खर्च निकालने के लिए। तो 5 और 5 10, असल का 1 6 और 2 8, 1 9, 1 और 1 2, ये उत्तर आपका आ गया। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि उसने कौन सी वस्तु ज़्यादा रुपए में खरीदी, कमीज पर अधिक पैसे खर्च किए कि पेंट पर अधिक खर्च किए। अब देखो 125 कमीज पर खर्च किए, 165 पेंट पर खर्च किए, तो पेंट पर ज़्यादा खर्च किए ना, कितने ज़्यादा खर्च किए, तो पेंट पर ज़्यादा खर्च किए, कितने खर्च किए ज़्यादा। ज़्यादा खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो घटा देते हैं, 165 घटा 125, तो इस प्रकार से अंतर निकाल लेंगे इनका 0 और 4, ये 40 रुपये आपका वहाँ से अंतर आ गया। इसी प्रकार से आप चारों क्वेश्चन करें, आगे फिर ये नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें, किताब में ही कर सकते हैं इनको आप, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। घटाने के सवाल हैं, बड़े ही आसान हैं, आप अपने किताब पर खुद कीजिए। चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखे हैं, 3 में से 3 घटाना है आपने, 7 में से 3 घटाना है, तो सीधा ही है, 7 कितने होते हैं देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, 3 कम करने, 1 2 3 कम कर दिए, तो कितने बच गए, 4, तो यहाँ पर लिख दो 4। हासिल को लेने की जरूरत पड़ी नहीं थी, तो 1 का 1। ये जोड़ने के लिए करेंगे, 4 और 3 ये जोड़ कर जाना है ना, तो इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 1 का 1। ये घटाने की क्रिया करेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान है ना, ये आप खुद कर सकते हैं बच्चों, बड़े आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और भैया अपने उत्तर जांच, ये यहाँ तक आपने खुद करने हैं, मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये देखो अपने उत्तर जांचे, देखो ये क्या किया है यहाँ पर, अब अपनी किताब में से करना है काम, ये 236 में से 114 घटा दिया, ये उत्तर आ गया, फिर इन दोनों का जोड़ ये आएगा, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। रेशमा ने घटा के कुछ सवाल किए, देखो ये घटाने की क्रियाएं हैं, ये घटाने और जोड़ की क्रियाएं आप परिचित हो चुके हैं। रंगीन खानों में छूटी हुई संख्या भरो, ये छूटी हुई संख्या आप खुद भरनी है आपने, कैसे भरेंगे चलो एक बार देख लेते हैं सवाल। 8 में से क्या घटाएं कि 5 प्राप्त हो, 8 केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ केले खा लिए तो 5 बच गए, 1 2 3 4 5 बच गए, नहीं तो बच गए, तो कितने खा गए, 3 खा लिए, यहाँ पर क्या गया, 3 आए। 7 में 3 केले खा लिए तो 4 बच गए। इसी प्रकार यहाँ पर ये सवाल है हमारा, कितने केले थे कि 7 तो हमने खा लिए और 2 फिर भी बच गए, इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, 7 और 2 9, इस प्रकार से कह सकते हैं हमारा। तो यहाँ पर 1 में से कितने केले खाएं कि 3 बचे। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा आपका, 11 में से 8 केले घटा दिए, 3 बच गए, 1 में से 1 गया, 0 बच गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप करें, बड़े ही आसान है। चलो आगे देखते हैं, छूटी हुई संख्याओं का पता लगाओ, ये संख्या पैटर्न देखो और छूटी हुई संख्या का पता लगाओ, 100 200 300, बच्चे बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप, 400 500 600 और 700। अभी अखरा क्वेश्चन करें, रेल के डिब्बे 900 800 700, 100 100 कम हो रहे हैं ना, 100 के हिसाब से ही आपने कम कर देने हैं, 900 800 700, फिर आएगा 600, फिर 500 400, फिर 300, ये देखो 50 100 150 200, इन सब में 50 50 की वृद्धि हो रही है, 50 10 15 20, 20 के बाद 25, पीछे 1 0, फिर 30, 1 300 आ गया, फिर 350, फिर 400। इस पर यहाँ पर भी करें आप, ये देखिए आप यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, देखो सर हिसाब लगाओ, ये 25, ये 35, ये 45, 10 10 का अंतर है सब में, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15, तो क्योंकि 10 कम आएगा ना, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 10 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 10 बढ़ेगा, तो 10 10 बढ़ाना है। इसको देखो यहाँ पर कैसे आया रकम, यहाँ पर 20 कम हो गई माइनस की हमारी, 20 कम घटा दी ना, 280 के बाद 260 आ गया, तो हमारा 20 कम हो गया, तो आगे 240, फिर 20 कम हो गया, यहाँ पर भी 20 कम होएगा, 220 आएगा, यहाँ पर भी 20 कम होएगा, तो इसी प्रकार आप 20 कम कम करके पूरी करें। इसी को देखें ये कैसे हुआ, यहाँ पर कितना, 125, 150 कैसे आया, 25 फालतू आ गया, यहाँ पर 25 फालतू आ गया, यहाँ पर 25 फालतू आ गया, इस प्रकार से आप करते रहें।
और 200 के बाद 225 आएगा, फिर 275 आएगा, फिर 300 आएगा, ये आएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आप करेंगे जो लोगों, ये भी करेंगे आपको। अच्छा ये देखिए अभ्यास की, अभ्यास का समय एक क्वेश्चन करते हैं। इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है, किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है? आप सेंटीमीटर के बारे में जानते हैं कि जो आपका फूटा होता है ना, जो आप फूटे से काम करते हैं वो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है बच्चों। कितने सेंटीमीटर का होता है? 15 सेंटीमीटर। तो इंदु की पेंसिल तो पूरी बड़ी है, 15 सेंटीमीटर है, और ज्योति की पेंसिल किसकी लंबी पेंसिल है? बड़ी 15, देखो एक 15 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर, कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। कितनी ज़्यादा लंबी है? तो कितनी लंबी के लिए हम घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, अपना माता पिता से पूछो 1 किलोग्राम नमक का दाम, 1 किलोग्राम चीनी का दाम, इनमें से कौन सी ज़्यादा कीमत है? ये खुद करना है आपने। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगे और फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे बच्चों। आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, 60 मिनट के बाद हमारा घंटा बन जाता है एक, जैसे ही हमारी 60 मिनट पूरी होती है तो हमारा 1 घंटा पूरा हो जाता है। अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट कितने लगे? 25 मिनट, और दाल बनाने में 15 मिनट, तो कुल समय कितना लगा उनको दोनों को जोड़ देंगे? 40 मिनट। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हमारा समय 60 मिनट से ज़्यादा हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मान लीजिए एक काम करने में 40 मिनट और पढ़ने में 30 मिनट लगे, तो दोनों में कुल कितना समय लगा? दोनों को जोड़ देंगे ना, जोड़ेंगे इनको दोनों, कुल समय निकल लेंगे, कुल समय लगा, कुल समय कितना लगा? 70 मिनट आ गया। अब आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 70 मिनट के हम घंटे बनाएंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर है 60 मिनट, तो 60 मिनट का बनेगा घंटा, तो कितना आ गया? 1 घंटा और कितनी बचेगी? 10 मिनट, क्योंकि 1 घंटे से 10 मिनट फालतू है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना आपने, ये चीज़ एक नई चीज़ है आपके लिए, इसको बड़े ही आराम से आपने करना है।